हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की क्लिप्टिक की एनर्जी है जो मैं कृष्णा, जो हमारी डीएफ है, उनकी रिक्वेस्ट पे, उनकी सीरियस रिक्वेस्ट पे मैं बना रही हूँ। हालांकि मैं ये बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाली नहीं हूँ, बिकॉज यू नो आज संडे है, मैं भी बिज़ी हूँ फैमिली के साथ। बट जो कृष्णा है ये बहुत ही हार्ड वर्किंग डीएफ है, तो उसकी इतनी हार्डवर्क की रिस्पेक्ट करते हुए कि वो कोई वीक डीएफ नहीं है कि आज उसने रिक्वेस्ट करी क्योंकि वो वीक है, नहीं, शी इज़ वेरी मच हार्ड वर्किंग। वो एक सीए है और अपनी इस जर्नी के लिए उतनी ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है और मेहनत करती है, तो उसकी मेहनत की रिस्पेक्ट करते हुए आज मैं ये चैनलिंग कर रही हूँ डिवाइन मास्कुलिन की। तो जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि यस, आई थिंक सिर्फ कृष्णा ही नहीं, आप में से बहुत सी डीएफ ऐसी होंगी जिनको एक अजीब सी मिसिंग एनर्जी पिक हो रही है। और आई थिंक ये आज की नहीं है, ये लगभग कल शाम से है ये एनर्जी, और जो सबसे ज़्यादा पीक में गई थी लगभग 8:30-9:10 के आसपास। तो बहुत ही ज़्यादा पीक में ये एनर्जी है, जैसे कि आपको बहुत तेज़ अपने डिवाइन मैस्कुलिन की याद आ रही है, हार्ट चक्रा में दर्द हो रहा है, और दर्द का ये हाल है कि शायद आपको रोना आ रहा हो, या पता नहीं क्यों आपके आंसू आंखों में आ गए, पता नहीं, कुछ अजीब सा पैल्पिटेशन, अजीब सी घबराहट या बेचैनी, या मन कर रहा है कि बात कर लें। ये डीएफ की एनर्जी है, और ये एनर्जी अगर आपको डाउट हो रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन की है आपकी, तो ये बिल्कुल सही है। आप बैलेंस हो, आप बिल्कुल अपने इनर वर्क को कर रहे हो, बट फिर भी एक नॉर्मल रूटीन में एकदम से ये बेचैनी का एहसास होना, एक डिसबैलेंस हो जाना, ये एनर्जी है कलेक्टिव में। तो दो कारण है, एक तो अभी आपका जो 12:12 का पोर्टल आ रहा है, आई थिंक उस दिन न्यू मून है, तो अपने आप में ही आप लोगों को बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाना चाहिए अभी से, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए कि आप अभी से इतने स्ट्रांग रहो कि ठीक है। बट हाँ, अभी तो टाइम है, इस वक्त जो आपके मैस्कुलिन की कलेक्टिव में एनर्जी है कि जिस प्रकार से वो इस जर्नी पे अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, लेसन लर्निंग कर रहे हैं, जैसे आप लोग लेसन लर्निंग करते हैं, इस प्रकार से आप अपने लिमिटिंग बिलीफ से ऊपर आते हैं, इस प्रकार से आप अपनी हीलिंग करते हैं, अपने अपने ब्लॉकेजेस पे, अपने पास्ट को हील करते हैं, ब्लॉकेजेस पे काम करते हैं, खुद को जिस प्रकार से आप रिपेयर करते हैं इस जर्नी पे। योर मैस्कुलिन ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ ऑल दिस लिमिटिंग बिलीफ सोसाइटी नॉर्म्स, जिसके कारण से वो एंड जो कुछ भी चीज़ वो झेल रहे हैं, सह रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड हैं, कई चीज़ें, कुछ ऐसे बिलीफ सिस्टम जो कि पहले वो खुद मानते थे, आज उनकी अंदर से आत्मा जैसे कि ऐसे उनको प्रोवोक कर रही कि नहीं, ये नहीं, ये सही नहीं है। तो वो दो अपने खुद के प्रेजेंट जो उनकी अभी इमोशंस हैं और जो उनका खुद का पास्ट बिलीव सिस्टम था, तो उन दोनों के बीच में एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में हैं कि किसको समझें, किसको लेट गो करें। डीएफ की भी बहुत ज़्यादा याद आती है क्योंकि आपने काम किया है, आप इवॉल्व हो रहे हो, आप अवेकन हो रहे हो, तो जब आपकी ऊर्जा ऊपर जा रही है तो उनको तो ऑटोमेटिकली अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में डिवाइन खींच के लेके आएगा, ना अंगवाना ही पड़ेगा। तो जिन लोगों को दर्द हो रहा है इस वक्त, पहले तो आप ये समझिए कि आप दर्द इसलिए आपको फील हो रहा है बिकॉज यू आर रोमांटिसाइजिंग दिस कनेक्शन। बट अगर आप ऐसे समझ लीजिए कि ये प्रोजेक्ट ही गॉड का है, और उस प्रोजेक्ट का जो भी गोल है, उस गोल के लिए डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को असाइन किया जाता है। सपोज़ कि एक ऑफिस में एक एडमिन संभालता है, एक मेन जो काम है, जो उस ऑफिस का जॉब है वो करता है, कोई उस फाइनेंसर होता है, कोई फंड रेजर होता है, सबके अपने अपने जब काम होते तब कलेक्टिव में जाके एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है। सिमिलरली जो हमारा गोल है जर्नी का, डेफिनेटली रिपेयरिंग द ग्रिड एंड रेजिंग द वाइब्रेशन, ठीक है, तो इसमें आपको जो जॉब दिया हुआ है वो आप कर रहे हो, यू आर इवॉल्विंग योर सेल्फ, ठीक है।
जब आप अपना जॉब अच्छे से कर रहे हो एंड यू आर रीचिंग टुवर्ड्स द गोल, ये डिवाइन का हेडेक है कि जो दूसरे एम्प्लॉय को भी कहते ना चाबुक लगाना स्ट्रिक्टली उनको भी लाइन पे लेके आना, जैसे कि डिवाइन का पर्पस पूरा हो, तो आप लोग को बेचैनी क्यों हो रही है? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस कि आपका डीएम अवेकन हो रहा है या नहीं, एंड व्हाई यू आर मिसिंग हिम, व्हाई यू आर मिसिंग द अनदर एम्प्लॉय, कुछ ऐसे समझ लीजिए. यू आर, जब आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो यू आर पेड फॉर योर वर्क, तो आपको आपके वर्क का पेमेंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ द गिफ्ट्स. यू अनलॉक योर इंट्यूशनल साइकिक गिफ्ट्स, अदर अबंडेंस एक्सेट्रा, यू नो, बेनिफिट्स, abundance, everything, growth, success, you will be paid for your work. But why you are worried for the another employee? उनको अपना काम करने दो. तो ये project अगर divine का है, और ये बातें शायद मैंने पिछले कई video में बोली हुई है, तो यहाँ पर आप बार बार क्यों भूल जाते हो कि मुझे अपना काम करना है, I will be paid for my work. और divine का project है, उसको अपने हिसाब से अपना काम करना है, वो अपना करवा लेंगे काम. तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन, अब आपको पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि बिकॉज यू आर शेयरिंग द सेम एनर्जी सेंटर. तो वो अगर टेंशन में है, वो अगर इस वक्त गुस्से में है, वो इस वक्त डिसबैलेंस्ड है, डेफिनेटली आप उस एनर्जी को पिक कर रहे हो क्योंकि वो आप ही की आत्मा का दूसरा हिस्सा है, फ्रेगमेंटेड पार्ट. बट आपको ये चीज़ आनी चाहिए. आप लोग इतने आगे आ चुके हो कि हमें किस प्रकार से अपनी टेम्प्रेरी कॉर्ड कट करके अपनी जर्नी पे फोकस करना है. यू नो, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एनर्जी. जब आप लोग कहते हैं ना डिवाइन, डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी, तो जिसमें ये एनर्जी है, एनर्जी इज ऑलवेज इन मोशन. यू नो वेरी वेल. तो मतलब कि एनर्जी कभी भी सेम होने वाली नहीं है. तो आज अगर उनकी एनर्जी लो है, तो कल उनकी एनर्जी अच्छी होगी, और उसके बाद बहुत ही अच्छी होगी, और जब बहुत ही अच्छी होगी तब यूनियन भी होगा. बिकॉज यूनिवर्स का लॉ ही है कि यूनिवर्स कभी भी, यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग, एनर्जी इज ऑलवेज शिफ्टिंग, कभी भी ये एक पेस पे नहीं रहती. तो अगर आपको ये लगता है कि पता नहीं मेरा यूनियन होगा कि नहीं होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल दैट यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रोइंग एंड एक्सपैंडिंग. एनर्जी हमेशा एक जगह पर स्टक नहीं रहती है. फिर वाई डी एफ यू आर स्टक? तो अगर आप स्टक रहोगे और यू विल स्टक योर एनर्जी, तो आपके मैस्कुलिन की भी एनर्जी स्टक रहेगी. आपके इस वक्त आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, दे आर रिलीजिंग ऑल देयर पेन्स, दे आर इवॉल्विंग इन देयर वेज, ठीक है, और आपको घोष भी करते हैं, और फॉर श्योर कि आपको मैसेजेस भी आएंगे. बिल्कुल, ये जो 12-12 का पोर्टल है, ये बहुत ही स्ट्रांग पोर्टल होने वाला है. And you don't need to worry. You have magical manifestation session. Okay? तो और भी कुछ surprise gift है आप लोगों के लिए, और मैं बताऊँ, चर्चा करूँगी इसकी end of the video में. But एक अच्छा, अब जब वो आएंगे तो deep romance आपके बीच में होने वाला है, ठीक है. Messages, calls, marriage के proposals, everything will be there. और आप इसको बिल्कुल believe कीजिए, क्योंकि अगर आप doubt की energy में रहोगे, पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, तो इफ यू आर डाउटिंग, यू आर ब्लॉकिंग योर एनर्जी. ऑलवेज अफर्म पॉजिटिव कि यस, इट इज गोइंग टू हैपन, यस, यूनियन इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन, यस, वी आर इन परमानेंट हार्मोनियस यूनियन, ठीक है. अफर्म कीजिए नीचे, क्योंकि जब आप, कोई मेंटोर आपको ये कह रहा है दैट देयर इज अ डीप रोमांस, देयर विल बी डीप रोमांस, देयर विल बी रीयूनियन. मैंने देखा है कुछ लोग जज करते हैं, और वो जज करके अपने ही एनर्जेटिक ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं, जहाँ पर डाउट है, जहाँ पर जजमेंट है, जहाँ पर जजिंग एनर्जी है, जहाँ पर उनको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है. तो उनकी भी गलती नहीं है, अभी वो तैयार नहीं है, अभी वो इवॉल्व नहीं है. तो इसीलिए आप लोगों का, आप लोगों के लिए जो मैं ये इनर चाइल्ड जो वन ऑन वन सेशन लेके आ रही थी, आप में से बहुत लोगों ने अब तक ज्वाइन किया है, उसका पर्पज़ ही यही था कि आपको आपके सामने ये दिखाना है कि चेक योर लिमिटिंग बिलीव्स. क्यों हमें डाउट होता है? व्हाट इज ब्लॉकिंग योर जर्नी? ठीक है, आप अपनी लाइफ में, चाहे आप अबंडेंस ब्लॉक कर रहे हो, चाहे आप अपनी यूनियन को ब्लॉक कर रहे हो, व्हाट इज ब्लॉकिंग
योर जर्नी. हो सकता है वो आपके अपने ही लिमिटिंग बिलीव्स हैं. व्हाई वेयर यू आर चोकिंग. ठीक है, हो सकता है कि आपको लाइफ में डाउट रहता है, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको आप या तो ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हो अपने ही आप में, आपको खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ एस्टीम की कमी है, या आपको इस प्रकार का एटमॉस्फेयर नहीं मिला, आपको गुड आपके पेरेंट्स से वो हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं मिला, आप खुद को सेल्फ को आप ऑनर नहीं करते हो. ठीक है, तो इट्स ये सारी चीज़ें जो कि आपकी जर्नी को ब्लॉक करती हैं, और ये सब चीज़ें ज़्यादातर आपके इनर चाइल्ड से आती हैं. सो सबसे पहले इनर चाइल्ड, जो मेरा वन ऑन वन सेशन समझने के पहले आपको एक कहते हैं ना प्री एक होमवर्क करना है, अपने आप को समझाना है कि आई कैन क्रिएट माई ऑथेंटिक रियलिटी. पहले अपना हाफ तो आपका काम यही हो जाएगा इधर चैनल पर ही, कि आप ये बिलीव कीजिए कि आई कैन क्रिएट माई ऑथेंटिक रियलिटी. सेकेंड, आई हैव टू अलाइन विद माई सोल. जब आप अपनी सोल से अलाइन होगे, और सोल से अलाइन अब तभी होगे जब कोई डाउट एंड सफरिंग्स नहीं होंगे, कोई लिमिटिंग बिलीव्स नहीं होंगे, नो लिमिटिंग थॉट्स. थर्ड, you are ready to heal your shadows, your traumas and your past situations. मतलब कि आपकी जो बचपन की जो आपकी कंडीशन थी, हालात थे, सिचुएशंस थे, जो भी कुछ आपके साथ हुआ था, मे बी सेक्शुअल अब्यूज, मे बी वेरी स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, मे बी आपको आपको इम्पोर्टेंस ना मिलना, वैल्यू नहीं मिलना, या आपका एक ऐसा चाइल्डहुड था जो कि जिसको जो एक्सपैंड नहीं हो पाया, जो एक अच्छा सा चाइल्डहुड आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाए, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नार्सिसिज्म, एक्सट्रीम टॉर्चर विद यू, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, या मे बी आपके जॉइंट फैमिली में है तो अदर कजिन्स, कंपेरिजन्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, जो कि आपके इनर चाइल्ड में जो भी सब चीज़ें हैं जो कि डीप इम्पैक्ट करती हैं आपकी जर्नी पे, दैट ब्लॉक्स, दैट चोक्स योर जर्नी एंड क्रिएट एक ऐसे डाउट की एनर्जी, एक फियर की एनर्जी, होगा कि नहीं, नो फेथ ऑन द गॉड. जो चीज़ पहले हुई है ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ चेंज नहीं हो सकती है. तो मैंने ऊपर बताया है, यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रोइंग, एनर्जी ऑलवेज इन मोशन. ऐसा नहीं है कि आपका इनर चाइल्ड आपका सैड था तो अब लाइफ में चेंजेस नहीं आ सकते हैं, पर ये भरोसा नहीं है, ये बिलीफ नहीं है आपको. सो यू हैव टू फर्स्ट अलाइन योर सेल्फ विद द गॉड. यू हैव टू यू टू लेट गो ऑल द अटैचमेंट्स एंड ईगो बेस्ड योर मेंटेलिटी. तो इतना अगर आप होमवर्क कर लेते हैं that you will learn to let go your ego-based mentality. आप अपने आप को allow करते हैं to heal your traumas, your past life, accept करते हैं कि मुझे हाँ अब मुझे अपने इन shadows को, अपने इस pattern को change करना है. I have to break this pattern and heal my stagnant energies. अब आप सोचिए कि आपने पूरा इनर वर्क कर लिया, बट अगर आप अपने DM को miss कर रहे हो, you are only in, you are yourself in missing energy. Means you are weak somewhere, right? आप ग्रिड को कैसे रिपेयर करोगे, इतना बड़ा टास्क अपने सिर पे कैसे लोगे? सो डेफिनेटली ये वीडियो का बनाने का मतलब मेरा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपको डीएम की एनर्जी बताऊं, बल्कि मैं आपको स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू मेक यू पावरफुल. ठीक है, एंड स्ट्रेंथन योर जर्नी एंड योर मेंटल एंड इमोशनल बॉडी, राइट? क्योंकि हमारी जो मेंटल बॉडी है ये सबसे ज़्यादा हमको डिस्टर्ब करती है बिकॉज ऑफ आवर ईगो एंड लिमिटिंग बिलीव्स, सोसाइटी नॉर्म्स, एंड फिर हमने इनर चाइल्ड में जो भी एक्सपीरियंस किया है, यू नो. सो ये वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑफर आप लोगों को दे रही हूँ, नहीं इसको गिफ्ट बोलूँगी, कि आप में से जिन लोगों ने मुझसे हीलिंग जो इनर चाइल्ड का वन ऑन वन सेशन बुक किया है या करेंगे, उनको हमारे चैनल की तरफ से हाउ टू रिपेयर योर ग्रिड, ग्रिड ऑफ द मदर अर्थ, ये जो एक मेडिटेशन है ये हमारी चैनल की तरफ से बिल्कुल आप लोगों को फ्री दिया जाएगा. और पर्पस यही है कि इसको आप बिल्कुल
जिस पर्पस आप इस जर्नी पे आए हो उसको यूज करो, इसलिए इसको फ्री दिया जा रहा है हमारे उस वन ऑन वन सेशन के साथ। एंड ऑनेस्टली मेरा इंटेंशन इस वक्त यही है आप सब लोग को लेके कि द मेन रीचिंग पॉइंट द पर्पस ऑफ दिस चैनल कि आप लोग को ये सिखाना है कि हाउ टू रिपेयर द ग्रिड ऑफ द मदर अर्थ, उस वहाँ तक आपको लेके जाया जाए, आपको सिखाया जाए। एक छोटा सा प्रयास है जो हम लोग कर रहे हैं, ये चैनल कर रहा है आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल एट लास्ट मैं इतना ही कहूँगी कि आपको अपने डीएम से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? इस वक्त आपके डीएम जिस हालात से गुजर रहे हैं कि आपको इतना दर्द हो रहा है, योर डीएम इज़ गोइंग टू, कहते ना सोसाइटी नॉर्म्स हैं, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनकी छद्दियाँ उड़ाने वाले हैं लिटरली। मतलब जो वॉर चल रही है उनके अंदर सही और गलत को लेके, सोसाइटी बिलीफ सिस्टम और जो एक नया बिलीफ सिस्टम जो आपके कारण से उनके अंदर आ रहा है, वो चूज़ इस नए बिलीफ सिस्टम को ही करेंगे। शायद थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना होगा। बहुत ही केयरफुल रहिए, समझदारी से इंटरेक्ट करिए अपनी डिवाइन मैस्कुलिन से, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको भी अवेकन होने दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।